इतना खाली बीच है, एक बंदा नहीं दिख रहा बीच पर सच में यार। मैं कुछ ऐसी बस है यहाँ पे देखो, ये ऐसा टिकट करती है पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं अभी मस्कट में, ओमान में। तो भाई मतलब मैं यहां के एक्सपीरियंस तो क्या ही बताऊं, आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई यहां की हॉस्पिटैलिटी, और नहीं देखा था जरूर देखना भाई, यहां के लोग कितने मस्त हैं। और भाई ओमान इतना नीट और क्लीन है और कोई भीड़ भड़ाका नहीं है भाई, बहुत ही स्मूथ लाइफ है मैंने यहाँ पे देख ली, ज़्यादा ना क्रश ना भीड़, मतलब ना रश, मतलब मस्त लाइफ है यहाँ पे। कि देखो ये है ओमान कुछ ऐसा, मतलब मस्कट जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो भाई मैं जिस एरिया में रुका हूँ यह है रूही, RUWI, लेकिन इसको बोलते हैं रूही, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ बीच पे, भाई ओमान में बीच भी है मस्कट में, मैं आपको बीच भी दिखाता हूँ। हालांकि अभी धूप बहुत हो रही है, दिन के 2-3 बज रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के इतना तो कर ही सकता हूँ भाई, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सपोर्ट कर लो। और मैं हूँ ये वो जगह को बोलता हूँ रूही बस स्टैंड, यहाँ से और ज़्यादा कुछ नहीं है, 60 रुपये या मुश्किल से 100 रुपये में हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से पहुँच जाते हैं भाई। लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे बहुत सही है भाई, बहुत सस्ता है। तो रूही से और जो यहाँ का बीच है, उस बीच का नाम भी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। वहाँ तक जाने के लिए मेरे हिसाब से 60 रुपये 100 रुपये लगेंगे, और कौन सी बस जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसी बस है यहाँ पे देखो, ये ऐसा टिकट करती है और यहाँ की करेंसी में है 400। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था पैसा जिसे बोलते हैं, और अभी हम जो जहाँ जा रहे हैं उसको बोलते हैं रॉयल ओपेरा हाउस। बाकी चीज़ें मैं पहुँच के बताऊँगा, और ये है बस नंबर 1 जो यहाँ से चलती है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ रॉयल ओपेरा हाउस, इसमें हालांकि मैं अंदर जा नहीं रहा, ये पूरी गैलरी बनी हुई है बहुत अच्छी, कुछ फोटोज आप गूगल से देख लेना। और इसकी जो फीस है वो है 3.15 ओमानी रियाल अप्रॉक्सीमेटली, अपने पता है 700 रुपये के आसपास का। तो भाई मैं अंदर जा नहीं रहा क्योंकि मुझे गैलरी का इतना कोई शौक है नहीं, बट अगर आप आ सकते हो, आपको जाना है तो मैंने आपको बता दिया। बस यहाँ पर ड्रॉप करती है, देखो सामने उधर की तरफ बस ड्रॉप करती है, वो बस स्टैंड है। और ये है मेरे सामने रॉयल ओपेरा हाउस, जिसकी फीस है इंडियन करेंसी में 700 रुपये के नियर बाय। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्यूरियम बीच, भाई हाँ मस्कट में बीच भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई बीच कैसा है। तो आज वीडियो में जुड़े रहो, मिलते हैं बीच पे। ये था आपने देख ही लिया रॉयल ओपेरा हाउस, हालांकि मैं अंदर तो गया नहीं। और यहाँ से जो बीच है ना भाई, बीच का है अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर बाय वॉक, तो मैं बाय वॉक ही जा रहा हूँ भाई। थोड़ा सपोर्ट कर देना इस गरीब भाई को तुम्हारे, इतनी धूप हो रखी है, इतनी गर्मी में मैं बाय वॉक करके 1 किलोमीटर जा रहा हूँ आपको बीच दिखाने। क्योंकि भाई मैंने कैब का कॉस्ट देखा यहाँ पे, कैब का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 600 रुपये समथिंग कुछ आ रहा था 1 किलोमीटर का, तो मैं कैब से तो जा नहीं रहा, तो मैं इतनी गर्मी में भाई वॉक करके ही जा रहा हूँ। और सच में बहुत सुंदर है, आप देखो। भाई ये पूरा एरिया कितना सुंदर है, सच में ओमान की ये चीज़ मस्त लगी भाई, सब कुछ वाइट बना रखा है यहाँ पे लोगों ने, सब कुछ वाइट है, लोगों के घर या कोई आर्किटेक्चर या एंशिएंट बिल्डिंग सब कुछ वाइट कलर का है।
मैं आ चुका हूँ केरम बीच पे, और भाई इतना खाली बीच है, एक बंदा नहीं दिख रहा बीच पे। सच में यार, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा बीच देखा है। अब भाई दिन का टाइम है, 2-3 बज रहे हैं अभी, आगे इंडिया में बज जाऊँगे 5:30-6, बट फिर भी इतने बीचेस पर चले गया मैं भाई, बीचेस भरे रहते हैं दिन में भी, इस पूरे बीच पे एक बंदा नहीं दिख रहा। ये देखो भाई, दूर दूर तक एक बंदा इस पूरे बीच पे नहीं दिख रहा, ऐसे समझ लो सारा दुनिया का सबसे खाली बीच हो गए हैं भाई। इतना भयंकर खाली बीच है, कम से कम मैंने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर वॉक कर लिया। इस पूरे बीच पे सिर्फ एक ही आदमी दिख रहा है मुझे, वो हूँ मैं खुद। बस पूरे 2 किलोमीटर के राउंड में बीच पर मुझे एक बंदा ना दिखा। अब भाई सच में मैं खुद को ही देख ही रहा हूँ इस पूरे बीच पे, और दिन के 3 बज रहे हैं भाई। किसी भी बीच में लोग होते तो हैं भाई, इस पूरे बीच पे कोई नहीं है ना। कैफे दिख रहे, एक कैफे दिखा, ये स्टारबक्स, ये भी बंद पड़ा है। स्टारबक्स है भाई, ये भी बंद है। सच में भाई क्या ही अद्भुत बीच है, सच में इतना ऊंच चूक बीच तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं। अब थोड़ी हवा चल रही है तो वॉइस थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़ यार। तो ये है भाई केरम बीच, जो है दुनिया का सबसे खाली बीच, इतना भयंकर खाली बीच, दूर दूर तक कोई नहीं है। पता नहीं भाई क्या हो गया यहाँ के टूरिज्म को। भाई बीच ना है तो बहुत ही सुंदर सच में, बट पूरे बीच पे कोई नहीं है यार। एक चिंटू जरूर दिख गया मुझे, बस मेरे पीछे दिख रहा होगा वीडियो में, बाकी ये वाला व्यू देखो। ये वाला व्यू फिर भी थोड़ा मस्त लग रहा है, बाकी है बहुत सुंदर सच में, एक नंबर बीच है। बट ठीक है, खाली है तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर मॉर्निंग में आता हो क्राउड या इवनिंग में आता हो, बाकी इस समय तो भाई खाली पड़ा है। भाई अभी ना फिर भी कुछ लोग तो मुझे दिखे हैं यहाँ पे, और मैं ना 1-1.5 घंटे यहाँ सो गया था बीच पर, और जैसी नींद खुली देखा भैया लोग आने शुरू हो गए, और अभी बज रहे हैं यहाँ के 5:30। तो चलो अभी चलते हैं कुछ और लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। अपन आए थे देखो उस वाली साइड से, उस साइड से हम आए थे, अब इस साइड जा रहे हैं, तो इस साइड भी देखता हूँ क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बीच पर आओ तो इधर और क्या कर सकते हो। बाकी कैफेज तो बंद पड़े हैं भाई यहाँ पे, 6:30-6 बजे खुलते हैं, उसकी वजह से रमजान की वजह से, तो भाई कुछ खाने को तो वैसे भी नहीं मिलता। तो और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बाकी बीच तो है, सुंदर ही है, बट ठीक है लोग बहुत ही कम है यहाँ पे। अब ये नहीं पता भाई इतने लोग कम क्यों आते हैं यहाँ।